गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे, ऐसी ईश्वर से कामना है। आज की गुड मॉर्निंग बहुत जल्दी हो गई है क्योंकि फीडो जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही। मैंने बताया था आपको इंजेक्शन वगैरह लगे थे, तो आज सुबह उसको वोमिटिंग होने लग गई तो मैं फिर उठ गई और बस फिर वो उन्हें ये लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। फिर मैं उसको मलती रहूँ, मालिश करी तो बस वो अभी जगी थे, इधर उधर थोड़ा घूम रहे थे और मैं भी उनके संग जगी हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो बस दोनों माँ बेटे उठे हुए हैं। तो अभी मैंने फीडो का फिर खाना भी बना दिया, वो यहीं लेटा था बड़े हॉल में, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसका खाना भी बना दिया है। और मैंने वो रखा हुआ था मलाई खट्टी करके रखती हूँ, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ इस समय, तो मैंने वो मलाई निकाल ली है और उसी का घी बनाने के लिए पहले बटर निकाल रही हूँ मैं, ये देखिए। तो मैंने कहा यही कर लूँ क्योंकि अब ऐसे नींद भी नहीं आएगी कि कहीं ऐसा ना हो, फीडो को कोई और प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसलिए हमने कहा चलो आज गुड मॉर्निंग जल्दी कर लेते हैं। तो बस अब ये बटर बनने वाला है, जैसे ही बटर बनता है तो निकाल के फिर इसका घी बनाएंगे। तो मैंने कहा चलिए। और यहाँ देखिए फीडो जी का खाना भी बन रहा है, भीग रहा है, तो ये जैसी भीग जाती हैं क्योंकि उन्हें भीगी हुई पसंद है, तो मैंने उसमें दवाई भी मिला दी है उसकी। तो बस चलिए बात करूँगी मैं। दोस्तों आज बारिश का पूरा आनंद दिया जा रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सुबह से ही। और आज तो फीडो की तबीयत थोड़ी सी वो हो गई थी, सुबह सुबह उसे उल्टी वगैरह हो रही थी, तो उसी ने मुझे उठाया 4:30-5 के बीच में। और मेरे को मतलब इतना उठा इरिटेट हो गया ना कि मतलब उठ जल्दी उठ, बहुत ज़्यादा मेरे कपड़े खींचने लगा। मैं उठी, मैंने कहा क्या, तो दौड़ के आया कि दरवाज़ा खोल, फिर बाहर आया, उसने वोमिटिंग करी। वोमिटिंग करके अब मैं एकदम से वो भी नहीं कर पाती हूँ और बोलता सिर्फ मुझसे, किसी और से नहीं बोलता है। तो बस वही चीज़ होती कि फिर मैं उसे धीरे से मैंने उसको खोला, छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे आई, मैंने दरवाज़ा खोला, अपने आप जाके फिर उल्टी करी। तो मैंने करी उल्टी के लिए, फिर उसके बाद मैं लेटी नहीं, मैंने कहा अब चलो उठ जाते हैं। धीरे धीरे चल के मैंने आलू उबालने रख दिए थे और मैंने कहा आलू को मसाला बना के रख देती हूँ, पराठे बन जाएंगे। और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत चलती रही। और अब इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बहुत 2-3 दिन से लगातार मौसम हो रहा था शाम को लेकिन हो नहीं रही थी, और वो चिपचिपी वाली गर्मी शुरू हो गई थी, लेकिन आज सुबह से मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। तो बस मैं उसी का आनंद लेने थोड़ा सा बाहर आ गई थी कि मतलब साइड में खड़ी हूँ मैं और मेरा बैलेंस बिल्कुल एक ही पैर पे है, जो दूसरा पैर जिसमें चोट है उसे तो कुछ नहीं हो रहा लेकिन दूसरे पैर में बहुत दर्द हो जा रहा है शाम को, लेकिन मेरे से बैठा नहीं जाता। तो मैं हल्का लंगड़ा लंगड़ा के मैं बाहर आके मैंने कहा थोड़ा सा मौसम का आनंद तो मैं ले ही लूँ, क्योंकि अपनी फेवरेट जगह पर ना आना ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आज मैं इसीलिए थोड़ा सा आई हूँ और टिक के खड़ी हूँ। तो बस मैंने कहा आप लोगों से भी दिखाऊं कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और फीडो भी यहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने उन्हें रस्सी पकड़ रखी है, बांध रखा है, क्योंकि वो बारिश में भीग जाते हैं और फिर अभी वैसे ही उनको मना कर रखा है नहाने के लिए भी, तो इसलिए मैंने उनका पकड़ रखा है कि देखना है तो यहीं से देखो। तो मेरे आसपास ही घूम रहे हैं, ये देखिए इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल काले बादल हो रहे हैं और वो लंबी लगातार चलने वाली बारिश है, जो वो वाली बारिश है, तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ही बारिश चलती रहे और किसी का नुकसान भी ना हो। और देखिए मैंने बीज वगैरह भी डाले हुए हैं, तो देखो होता नहीं होता वो तो बात की बात है, क्योंकि बारिश में निकल आती है पौध। तो बस उसी का आनंद लेने में आई थी, ज़्यादा देर तो मैं नहीं खड़ी हो पाऊँगी, तो चलिए फिर आइए दोस्तों ब्रंच करिए, आलू का पराठा, अचार, चटनी, कोल्ड कॉफ़ी, आप भी खाएं हम भी खाएंगे। आइए दोस्तों रात का डिनर तैयार है, चुड़कानी और बैंगन आलू की सब्ज़ी, चावल, आप भी खाएं हम भी खाएंगे।
गुड नाइट दोस्तों, कल मिलते हैं नई सुबह नई सोच के साथ।